भगवान शिव ने और वही धनुष उनको उपहार स्वरूप दिया गया था। तो यहाँ पे उन्होंने आकर के जब इस शिवलिंग का स्थापना किया तो ये रामेश्वरम से भी पुराना प्राचीन ये शिवलिंग है जो राजा जनक के द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया, लेकिन लोग सीधा रामेश्वरम ही जाते देखने के लिए क्योंकि उनका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा है, इन जगहों के बारे में लोग नहीं बता पाते। तो आज मैं आपके सामने वही अनसुनी अनकही जो दुनिया से छिपा हुआ है उन तथ्यों को उन सच्चाइयों को लेकर आपके सामने में आया हूँ। और ये जगह जो आप देख रहे हैं यही मंदिर है जो हलेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है। तो कहे तो माता सीता का जो जन्म का जो अध्याय है इसी जगह से शुरुआत हुई और यहीं से जब हल चलते हुए यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है जो सीतामढ़ी और पुनौरा के नाम से, हालांकि वहाँ पे थोड़ा सा लोगों में कुछ बातें हैं, कुछ विवाद है, कुछ लोगों का कहना है कि सीतामढ़ी में जन्म हुआ, कुछ लोगों का कहना है पुनौरा में जन्म हुआ। तो खैर बी न्यूज़ 24 इस बातों का पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन हाँ ये सच्चाई है कि जो जन्म इन दोनों जगहों में से कहीं पे यहीं पे माता सीता की उत्पत्ति हुई थी। मैं आपको जगह भी लेके चलूँगा, दिखाऊँगा, यहाँ से मैं आपको उन सारी जगहों में लेके चलूँगा जहाँ पे सीता का स्वयंवर हुआ, सीता जी की जो बारात निकली जो रास्ते में रुका उस जगह का नाम है पथपाकर, जहाँ पे माता सीता ने कहते हैं कि दातुन करके वहाँ पे जब फेंका और एक तालाब का वहाँ पर वो खुदाई हुआ, जब कहते हैं कि माता सीता के द्वारा उस तालाब की जो निर्माण किया गया था आज भी वो तालाब है वहाँ पर, और आज उस एक पेड़ से बहुत सारे अनेकों पेड़ है। तो बहुत ऐसी चीज है। और जो राम ने धनुष को जो तोड़ा था, जैसे कि मैंने कहा कि उस धनुष को सिर्फ राजा जनक उठा सकते थे, लेकिन उनको भी नहीं पता था कि माता सीता उनको उठा सकती है। तो माता सीता ने जब उस धनुष को उठाया तब उनके मन में ऐसा विचार आया कि मैं इनके लिए ऐसा वर ढूंढूं जो इस धनुष को पे प्रत्यंचा चढ़ा के उसको तोड़े। तो तभी उन्होंने सीता स्वयंवर रचा था। और आपको जैसे पता है कि बहुत बड़े सूरवीर महावीर आए लेकिन उस धनुष को कोई नहीं ला पाए, सिर्फ जो भगवान राम ने ही उनको उस पर प्रत्यंचा चढ़ा कर तोड़ा, और जो कि कहते हैं कि वो 3 टुकड़ा हुआ, जो कि एक टुकड़ा जनकपुर, एक धनुषा, और कहते हैं कि एक आसमान गया, पता नहीं वो तो पता नहीं तीसरा टुकड़ा कहाँ गया। तो वो दो चीज़ों को मैं भी दिखाने का कोशिश करूँगा कि वो धनुष आज भी है। तो अब मैं अपने कैमरा मैन को कहूँगा कि जरा इस जगह को विस्तार से वो दिखाए, और हो सकता है कि यहाँ पे मैं अगर कुछ लोग हैं तो मैं उनसे मैं बात भी करूँगा, इस जगह की जानकारी भी लूँगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे सीता जन्म धरती की ओर, जो सीतामढ़ी और पुनौरा का जो दोनों कुंड है उस जगह को मैं वो भी दिखाऊंगा, वहाँ के बारे में भी बताऊँगा। तो ये हम लोगों का बी न्यूज 24 की एक जो शुरुआत है जो कि रामायण राम के बारे में सब जानता, मैं माता सीता की जानकारी आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। ये जो सामने जो देख रहे हैं वो साक्षात अगर कहे तो यहाँ पे शिव विराजमान है, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि रामेश्वरम से भी ये पुराना और प्राचीन शिवलिंग है जिनको राजा जनक के द्वारा स्थापित किया गया था। और सामने में है माँ पार्वती, इधर यहाँ देखे हर सोमवार को भक्त लोग यहाँ आते हैं, अपना पूजा अर्चना ध्यान करते हैं, और कोई जो शिवरात्रि में और इस मौके पर तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भीड़ रहता है, भक्तों की तांता लगे रहता है, लेकिन फिर भी जो दूर दराज के लोग, अच्छा यहाँ पर टूरिस्ट लोग आते हैं क्या जो बस वो,
आप जो मेरे पीछे जो कुआं देख रहे हैं, ये कुआं यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये भी त्रेता युग का ही कुआं है और इस कुएं से लोग यहाँ पर जो आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, इस कुएं से जल लेकर के बाबा भोले पे, शंकर पे इसको अर्पित करते हैं या चढ़ाते हैं। तो बहुत ही ये कहते उसी काल का जो कुआं है जिस समय राजा जनक जी यहाँ पर हल चलाए, तो उस समय से ये कुआं के बारे में बताया जाता है। तो आइए, ठीक है, तो जैसा कि जो हमें जानकारी प्राप्त थी वो मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ के मैंने पुजारी से भी, और मैं वहाँ जो गर्भगृह में जो बाबा भोले हैं, शंकर है, उनका भी मैंने आपको दर्शन कराया। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग और दुकानदार भी, यानी कि जो स्थानीय लोग यहाँ पे अपना दुकान कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ उनकी जो जानकारी, मैं उनसे मैं बात करता हूँ। नमस्ते, बताइएगा अपना नाम। हुआ शुभ महेश शाह, ग्राम गिरमिसानी को निवासी। ये त्रेता युग का एक कहानी है। त्रेता युग में 12 बरस के यहाँ पर अकाल पड़ा था। वही समय राजा जनक जी महाराज ने अपने से हर चलाए और पुनौरा धाम में जाते ही हर के फार से माँ जानकी का उत्पत्ति जमीन से हुई और वहाँ से राजा जनक जी महाराज लेकर चले जनकपुर के ओर। सीतामढ़ी में गए तो भारी वर्षा का संभावना हुआ, तो वही सीतामढ़ी जानकी स्थान जो है वो मरई था, उसी में माँ जानकी को लेकर रुके राजा जनक जी महाराज और वहाँ से जनकपुर के ओर गए। यही भूमि का इतिहास है। जय सीताराम। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो जगह जो है, कि जो कहना है कि यहाँ से जब हल चलाते हुए राजा जनक गए तो जो पुनौरा में जा करके माता सीता की उत्पत्ति हुई, या जब माँ जानकी की जो जन्म हुआ, माँ सीता का जन्म, तो बहुत ही घनघोर वर्षा हुआ, जो महीनों तक वो बारिश रुकी नहीं। तो इसीलिए उसको वहाँ छुपने के लिए जो सीतामढ़ी में एक कहते कि जो मरई, जो पहले जो कच्चा घास फूस का घर हुआ करता था, तो उस मरई में उनको लेकर के सभी लोग छुपे रहे, तो इसलिए वजह से उनका नाम जो सीतामढ़ी है। तो चलिए अब मैं यहाँ से माँ जो जहाँ पे माँ जानकी का उत्पत्ति हुआ उस जगह की ओर मैं आपको लिए चलता हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पे पंडा, पुजारी, जो स्थानीय लोग और कुछ यहाँ पे श्रद्धालु, आपने देखा होगा कि हमारे अभी जो हमने यहाँ पे जो शूट कर रहे थे उस समय बहुत ही अंतर ध्यान थे, भक्ति भाव में और शिव की भक्ति में, शिव के मंत्रों में। तो आइए इनसे मैं कुछ बात करता हूँ। नमस्ते, नाम बताइएगा सर। कहाँ से आए आपका? अभी सीतामढ़ी से आए जी। कब से आ रहे हैं? बहुत पहले से आ रहे। फिर भी कितना साल हुआ? 35 साल। 35 साल हुआ। और आप? 10 साल। 10-15 साल से आ रहे हैं? ये 35 साल से आ रहा, 15 साल से आ रहा है। सर उम्र में तो आप बड़े। हाँ बड़े तो है, मगर हम मने पीछे लगाव नहीं था, मने हम मने पूरे काम में बिजी के बाहर थे। अच्छा, क्या भक्ति भाव में लगाव नहीं था या शिव से लगाव नहीं था? बाहर थे हम। अच्छा, बाहर इस वजह से नहीं आते थे। तो बताइए सर, यहाँ पर आते हैं तो कब कब आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कब कब जो मतलब को जो विशेष दिन होता है या जो विशेष समय होता है जहाँ पर भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वो कौन कौन सा समय होता है? सावन का होता है, शिवरात्रि का होता है, सरस्वती पूजा में होता है, अभी बसंत पंचमी, और हर रविवार को रविवार यहाँ मेला लगते हैं। कुछ यहाँ का इतिहास के बारे में पता है? हाँ, बताए जरा कुछ हमारे दर्शकों को कि यहाँ का इतिहास, क्योंकि हम लोग उन चीज़ों को लेकर आए कि आज के डेट में आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में राम राम हो रहा है, हर जगह राम की बात हो रही है, राम जन्म धरती की बात हो रही है, जन्म भूमि की बात हो रही है, पर सीता जन्म भूमि, सीता का बात कोई नहीं कर रहा, कोई कर रहा है लेकिन सीता के बिना राम तो अधूरे हैं, जैसे राधे के बिना कृष्ण अधूरे हैं, शिव पार्वती के बिना शिव अधूरे हैं, ऐसे सीता के बिना राम भी अधूरे हैं। लेकिन हर कोई जो लोग देखता है कहते हैं कि भेड़ चाल जो चीज़ होता उन्हीं की तरफ बढ़ते हैं,
तो अयोध्या की तो बातें सब करता, पर सीतामढ़ी की बातें कोई नहीं करता, ना आपके यहाँ का नेता करते हैं, ना कोई मंत्री करते हैं, ना आपको पता है। सर मेरा एक सवाल है, अगर यहाँ बिहार जो है दार्शनिक स्थल है, महापुरुषों का ये जन्म धरती है, अगर इन चीज़ों को बढ़ाया जाए तो क्या यहाँ पर्यटन का बढ़ावा नहीं होगा? आप कितना बड़ा लोगों का बिजनेस होगा, यहाँ से पलायन बंद हो जाएगा, लोग बाहर जाना बंद कर देंगे, और कितना बड़ा आपका उद्योग हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं, आप रास्ते में आकर आपका कितना कीचड़ है, कितना गंदा पानी सबको गुजर के यहाँ पे आना पड़ रहा है। तो पहले थोड़ा यहाँ का इतिहास बताएं, और जो सरकार के तरफ से आप लोगों के क्या संदेश वो भी कहें। कहना क्या है, ये तो प्राचीन मंदिर है, ये राजा जनक के द्वारा हलष्टि यज्ञ करने के द्वारा ये शिवलिंग का उत्पत्ति हुआ था। रामेश्वरम के बारे में जानते हैं तो एक बात बताइए, रामेश्वरम का शिवलिंग पुराना है कि यहाँ का शिवलिंग पुराना? शिवलिंग पुराना है, इसी बात को हम उजागर कर रहे हैं। शिवलिंग पुराना है, वहाँ स्थापित है, यहाँ स्वयंभू है, लेकिन उनसे पहले का, क्योंकि राजा जनक के समय का है, तो वो तो राम ने स्थापना किया था और यहाँ राजा जनक, तो लेकिन इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। एकदम सही बात है, हल के द्वारा निकला हुआ, इसी में इसका नाम हलेश्वर स्थान है, और यहीं से हल जोते हुए जब जनक जी आगे की ओर बढ़े थे, एक पुनौरा पुंडरीक ऋषि का क्षेत्र था, जहाँ पर हल के पास माँ जानकी का उत्पत्ति हुआ। जिस तरह से माँ जानकी का उत्पत्ति जब हुआ, बारिश होने लगी, तो पुंडरीक ऋषि के नाम पर पुनौरा पड़ा हुआ। पुंडरीक ऋषि के नाम आपके तरफ से अपने सरकार को, अपने शासन प्रशासन को क्या संदेश है, क्या कहना चाहते हैं कि ऐसी जो इतना पवित्र जगह है, इतना अद्भुत जगह है, जिसका वर्णन रामायण में भी है, हमारे ग्रंथों में भी है, शास्त्रों में भी, लेकिन उपेक्षित है ये? एकदम उपेक्षित है। सरकार से यही निवेदन है, अनुरोध है कि यहाँ आने जाने का सुविधा प्रदान किया जाए, यहाँ पर्यटक क्षेत्र घोषित किया जाए। ये सीतामढ़ी अगल बगल में बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है, दार्शनीय क्षेत्र है, जो आदिकाल से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर्यटक का बढ़ावा होगा, व्यापार में सभी चीज़ में यहाँ व्यापार में बढ़ावा, खुशहाल होंगे, रेवेन्यू आएगा, पैसा आएगा, राज्य की उन्नति होगी। तो ये तो देखिए, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि बिहार का गद्दी पर तो कोई भी बैठे, लेकिन नेताओं का भविष्य उज्जवल है, पर बिहार का भविष्य अंधकार में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।